वर्कशीट नंबर 63, क्लास 9th इंग्लिश। ठीक है, आप लोग देख सकते हो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 63। 8 दिसंबर की आपकी वर्कशीट है, इसमें आप लोग डेट देख सकते हो। तो सभी स्टूडेंट को ये इंग्लिश की नोटबुक में करनी है। ठीक है, सभी स्टूडेंट इस बात का याद रखेंगे कि इंग्लिश की नोटबुक में करनी है आपको ये। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट, देखो अभी आप 9th क्लास में हो, ठीक है, फिर आप 10th में आओगे, और 10th में क्या है कि आप लोगों को मतलब एग्ज़ाम में एक तरीके से लिखना आना चाहिए कि एग्ज़ाम में आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो इंग्लिश का एग्ज़ाम। मोस्टली स्टूडेंट को आंसर पता होते हैं पर वो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वर्कशीट में आप लोगों को यही बताऊँगा कि आप लोग एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिख सकते हो किसी को रीड करके, किसी चीज़ को। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊँ, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें आपकी जो स्टोरी दी हुई है, इसमें बताया गया है कि एक, ठीक है, इसमें आपका बताया गया है कि उसकी एक जो बाबा के बारे में करेक्टर दिया गया है, और देखो उसकी वाइफ के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये बॉन्ड ऑफ लव से ली गई है आपकी। ठीक है, मैसूर, मैसूर के बारे में बताएं, विजिटिंग मैसूर मतलब जगह का नाम है। ठीक है, जू है। देखो इनमें मेन मेन पॉइंट सबसे पहले देख लेना आप, मतलब जू से मतलब आपको पता चल गया कहीं ये इसमें गए हैं, जहाँ पे जानवर वगैरह का रहता है वहाँ पे जू में गए हैं ये। ठीक है, और मैसूर आपका जगह का नाम है, विजिटिंग मैसूर। ठीक है, तो उसकी वाइफ, इसमें बियर के बारे में, ठीक है, बियर के बारे में बात चल रही है, भालू के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेन मेन टॉपिक आप लोगों को देख लेना है, और फिर इसको रीड करना है एक बार पूरे को, वर्कशीट को, तब आप समझ पाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें पूछा गया है कि इन अ सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड। एक तो सभी बच्चे इंग्लिश की नोटबुक निकालेंगे अपनी, जिसमें भी वर्कशीट करते आ रहे हो, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 उतारेंगे ये वाला, इन अ सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड When बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज दे। ठीक है, तो इसमें आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है किसी बच्चे को। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे लिखूँगा आप लोग वही नोट डाउन कर देना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया, तो इसमें कहने जा रहे हैं कि वो उससे दूर क्यों गए थे। तो आपको क्योंकि कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, वो उसे घर पे मैनेज नहीं कर पाते, डी में आपका आ जाएगा यहाँ पे, दे कुड नॉट मैनेज हिम एट होम। ठीक है, एट होम ये वाला लिख लीजिए, आपका कंप्लीट होगा, डी मतलब इसका करेक्ट है। अब सभी बच्चे उतारेंगे, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको नोट डाउन करना है, विच वर्ड डज रिस्टेन नॉट कोरस्पॉन्ड टू। ठीक है, इनमें से कौन सा रेस्टेंट्स का कोरस्पॉन्ड नहीं है। ठीक है, देखो रेस्टेन रेस्ट्रिक्ट वही बात पड़ती है, ठीक है, कंट्रोल वही बात है, प्रिवेंट वही बात है, सेट फ्री आपका इससे वो नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा सी, सी आपका इसका करेक्ट है, फर्स्ट का आपका ये था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में पूछा है पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइड फैक्ट एफ एन ओपिनियन। ठीक है, आपको ओपिनियन और फैक्ट बताना है। अब इसमें देख सकते हो, आई थिंक वी शुड नॉट कीप पेट्स। ठीक है, ये एक बाबा वाज आल्सो असर्ड टू द फैमिली मिस देम अ लॉट, द वाइफ ऑथर्स शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा, पेट्स रेसिप्रोक अवर लव एंड केयर। ठीक है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है, ये ओपिनियन है, तो आपका इसका डी आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। 4 में आपको पूछा गया है कि ये नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, इसमें आपको पूछा गया है कि व्हाई डू यू थिंक ऑथर्स वाइफ वज सो वरीड अबाउट बाबा, वो बाबा की वजह से इतनी चिंतित क्यों थी, हम लोगों को ये बताना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर फोर में मैं बता रहा हूँ आपको जितना लिखना है, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे लिखोगे? देखो, सबसे पहले सभी बच्चे यहाँ से उतारेंगे द ऑथर, द ऑथर वाइफ्स वाज सो वरीड अबाउट बाबा, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ से लिखेंगे बिकॉज द नरेटर्स वाइफ, बिकॉज यहाँ से लिखो बिकॉज सी वुड, एक सेकेंड मैं दोबारा लिखता हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आएगा वो। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज सी कुड, शी वुड नॉट बी कंसोल्ड, बिकॉज शी कुड नॉट बी कंसोल्ड, कंसोल्ड सी वेप्ट एंड कीप्ट वरिंग अबाउट द बी, सी वेप्ट एंड कीप्ट वरिंग अबाउट द बी अबाउट द बियर, ये टी है, ठीक है बच्चों। अबाउट तो आप लोगों ने क्या जाना इसमें, क्योंकि वो इस बात से चिंतित थी कि उसे हम कैसे लेके जाएंगे और कहाँ रखेंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपको इतना ही लिखना है 20 से 30 वर्ड में, ठीक है। फाइनली आपका ये कंप्लीट हो चुका है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, द ऑथर से, द ऑथर वाइफ्स वाज सो वरिड अबाउट बाबा बिकॉज सी वॉज कुड नॉट बी कंसोल्ड, सी वेप्ट एंड केप्ट वरिंग अबाउट द बियर। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं, वट डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा। तो जो फिफ्थ में आपको निकला है, तो आप लोग देख सकते हो इसमें आप लोग लिखोगे आंसर नंबर फाइव करके। मैं आपको यहीं से कंटिन्यू कराता हूँ ताकि ये पूरा आपका कवर हो जाए, ठीक है बच्चों। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, सभी बच्चों ने उतार लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इसमें पूछा गया है, व्हाट डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ, उसने क्या रिपोर्ट किया था स्टेटस ऑफ बाबा के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फोर का लिखेंगे, देखो इसमें एक तो आएगा बिकॉज, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से सभी बच्चे लिखेंगे द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा, ठीक है। इतना आप क्वेश्चन में से लिख सकते हो, ये कट कर दोगे, ठीक है। यहाँ से आप लिखोगे बिकॉज ही वाज नाउ टू बिग, टू बिग, बिग टू बी कैप्ट एट होम, ठीक है। दे फेल्ट मे बिकम अ डेंजर टू चिल्ड्रन, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे क्योंकि वो इतना ज़्यादा बड़ा था उसकी वजह से चिल्ड्रन बेहोश भी हो सकते थे, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे,
दे फेल्ट ही मे बिकम अ एवेंजर। तो आप लोग इसमें इतना लिख सकते हो, इसका रीजन व्हाट डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ, उसके फ्रेंड ने ये सब कहा था कि वो जो भालू है बहुत बड़ा है और उसे देख के लोग फेल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी आपका कंप्लीट हो गया, सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। फिर मैं इधर रफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स सभी नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स मैं आपको दूसरे पेज पे लिखवाऊंगा ताकि इस पे जगह कम है, सभी बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। ये आपका आंसर नंबर सिक्स है। इसमें पूछा गया है कि इमेजिन यू हैव अ पेट, इट सेपरेटेड फ्रॉम यू फॉर एनी रीजन, हाउ वुड यू फील एंड व्हाट यू डू अबाउट इट। इसमें लिखेंगे हम लोग द लेटर फ्रॉम द कैलकुलेटर जी रिपोर्टेड थ्रू बाबा ही सेड अपसेट रिफ्यूज द फ्रेंड ही रिलेटिव सिमिलर रिपोर्टिंग। एक सेकंड, मैं इसको चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट।
सो स्टूडेंट सॉरी, वो चार्जिंग ख़त्म हो गई थी इसलिए मैं लैपटॉप का चार्जर लगा नहीं गया था। ठीक है, तो फाइनली हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आंसर नंबर हम लोग को 6 लिखना है। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि वो लोग पूछ रहे हैं अगर आपके पास कोई पैट हो और उसको सेपरेट किया जाए तो आप लोग क्या करोगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें इफ़ आई। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को वही लिखना है, इफ़ आई लॉस्ट माई पैट। ठीक है, आई डू नॉट फील गुड, आई कॉन्टैक्ट लोकल एनिमल। लोकल एनिमल कंट्रोल एजेंसीज। लिस्ट अ लॉस्ट पेट रिपोर्ट विद एवरी शेल्टर। एवरी शेल्टर विद 60 miles रेडियस ऑफ माई होम। देखो इसमें यही बताना है कि अगर ऐसा कभी हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एक उसको पास में ही कहीं रख देंगे ताकि हम उससे बार बार मिलने जा सके। ठीक है, इतना आपको लिखना है तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, मैं इस लोगों को लिखवा रहा हूँ आप सबको। इसमें पूछा गया है कि फॉर 3 मंथ्स आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, हाउ डू यू थिंक ऑथर मैनेज टू डू सो। तो इसमें सभी बच्चे लिखेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। एक नया ही पेज ओपन कर लेता हूँ, मैं उस पर लिखवा दूँ। यहाँ हम लिखेंगे आंसर नंबर 7। ठीक है, द ऑथर्स वाइफ वाज डीपली डिस्टर्ब। वो क्या थी, बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से डिस्टर्ब थी, टू हियर रिपोर्ट्स ऑफ हर डियर ब्रूनो। टू हियर reports of her dear Bruno much sad and refuge to eat. He wanted to go to Mysore and see him for herself. Okay, tough. Of the author I had managed to prevent
आर फ्रॉम गोइंग टू द मैसूर जू फॉर 3 मंथ, गोइंग टू द मैसूर मैसूर जू फॉर 3 मंथ। तो आंसर नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया, सभी बच्चे इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम लोग आपके, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन करेंगे। बाबा सॉ हर रिकॉग्नाइज हर एंड हाउ कुड बाबा रिकॉग्नाइज आफ्टर अ लॉन्ग, इफ यू आर इन प्लेस हाउ वुड यू हैव रिएक्ट और रेस्पोंडेड इन सच सिचुएशन। ये 100 वर्ड में लिखना है, तो हमें इसे बड़ा बड़ा करना होगा। देखो बड़े करने का मैं आपको तरीका बता दूँ, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है आप लोग उससे कैसे ज़्यादा करके लिख सकते हो, ठीक है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे बाबा, सभी बच्चे आंसर लिखेंगे मैं जो बता रहा हूँ, और आपको नेक्स्ट पेज में लिखूंगा बाबा शो हर एंड रिक्वायज हर, ठीक है। ये नहीं लिखना आपको, ठीक है, ये लिखोगे बाबा रिक्वायज हर आफ्टर सो लॉन्ग, ठीक है। यहाँ से आपकी एक लाइन यहाँ से हो गई, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज में लिखवाता हूँ, वहाँ से आपको लिखना है, ठीक है बच्चों, इसके बाद से लिखना है आंसर नंबर 8, ठीक है। इसके बाद से आप लोग लिखोगे प्यूपल टॉक दैट बाबा वुड नॉट रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज हर आफ्टर सच अ लॉन्ग गैप, लॉन्ग गैप, बट एज सून, बट एज सून एज बाबा सॉ हर सम यार्ड्स अवे फ्रॉम हिज फेस, ठीक है, बाबा रिकॉग्नाइज हर ही ऑल्ड विद हैप्पीनेस, विद हैप्पीनेस ठीक है। आपको इतना लिखना पड़ेगा एक लाइन पीछे, मैं आपको फिर से दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना है सभी बच्चों को बाबा से सो हर एंड रिकॉग्नाइज हर, ठीक है। ये हाउ डिड काटना है, फिर लिखना है बाबा, इसको कट करके बाबा रिकॉग्नाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, यहाँ तक लिखना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, मैं टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा।
चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट रहता है हमारा 9। ये बच्चे सभी नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, मैंने इसका आंसर बताने जा रहा हूँ आप सब लोगों को। आंसर नंबर 9, ठीक है, हम लोग लिखेंगे। इसमें देखो क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है वाइल्ड एनिमल कैन नेवर बी पेट्स, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना है यस यस आई एम एग्री, ठीक है, आई एम एग्री। विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है आपको बिकॉज, ठीक है, फिर आपको ऐसे करके छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे वाइल्ड एनिमल्स, नेक्स्ट लाइन से वाइल्ड एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल, बिहेवियरल, ठीक है। सोशल, न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजिकल, तीन चीज, सोशल, न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिकल, नीड्स, मोस्ट पीपल कैन नॉट मीट द नीड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मोस्ट पीपल कैन नॉट नीड, कैन नॉट, यहाँ पे मीट आएगा, ठीक है, मीट, एक सेकेंड, मिलने के लिए मतलब, ठीक है, कैन नॉट मीट द नीड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कैप्ट एज पेट्स, एज पेट्स, आप लोग को इतना लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, फिर आप लोग का ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि मैंने सब स्टूडेंट से पूछा था कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10th क्लास के बाद साइंसर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग इसमें कमेंट करेंगे नीचे, ताकि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे चैनल पे जो मेरी वीडियो देखते हैं और साइंस एड लेना चाहते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर देना, जिससे मुझे पता चले आप लोग वीडियो को पसंद करते हो। नीचे कमेंट जरूर करना कि आप कौन से साइड लेना चाहते हो, स्ट्रीम लेना चाहते हो 10th क्लास के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।